जो हर मन पाया, जो हर मन पाया, सत्संगत वह हर गुण गाया, सत्संगत वह हर गुण गाया। सत्संगत वह हर गुण गाया, सत्संगत वह हर गुण गाया, सत्संगत वह हर गुण गाया, सत्संगत वह हर गुण गाया। अमृत कीर्तन 706 पे साध संगत अस्थान जग मग नूर है, 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 जग Thank you.
स्थान जगमग नूर है, गुरमूरत कर ज्ञान सदा 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 हजूर है। रावी के कंडे ते साध संगत दी, रावी के कंडे ते सतगुरु नानक पातशाह दी कीर्तन दी धुन बजा रहे हन, ते मर्दाना मर्दाना जी रबाब बजा रहे सन। मेरे गुरु नानक पातशाह दी लाही बाणी राही सिफत सगाह विच इतने मगन सन, इतने मगन सन कि एक बीबी ने मिठी मिठी आवाज सुनी जो कीर्तन दी, ते मस्त हो गई उन्होंने आवाज दे विच, इतनी मगन हो गई कि उन्हें सुन ही नहीं रही। एक पेड़ के नीचे बैठी गुरु नानक पातशाह जी के दर्शन किए, ते निहाल 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 हो जा रही है। कीर्तन लुक लुक के हुन सुनती है, सुनती है कि हर रोज 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 इसी करन आती, हर रोज पेड़ के पीछे जाके उसे बैठ जाए, ते लुक के छुप छुप के कीर्तन सुने सुने, ते देखती रवे कि एक महापुरुष जेड़े ने ओ कीर्तन कर रहे हैं। अमृत वेले भी, दोपहर वेले भी, शामा वेले भी, रात वेले भी उस प्रभु के नाम विच उसके ध्यान विच कीर्तन करते पे हैं। मन विच ख्याल आया भई इन्हां नूं दुध का गड़वा भर के दिया, करो गई करो गर्म करके दूध लियाई, ते गुरु नानक पातशाह जी के सामने बैठ गई। हुण बिल्कुल सामने बैठ गई, जब कीर्तन समाप्ति हुई ते इंज अखां बंद करके मस्ती दे विच बैठी। कीर्तन की समाप्ति हुई, गुरु नानक पातशाह जी दीआं अखां खुल्लियां जदों, ते सामने इस बीबी नूं देखिया, ते गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, बच्चा कहन लगे ने, बच्चा इसकी अख ना खुली, आवाज भी मारी पर आवाज ना खुली, आवाज ना सुनी। गुरु नानक पातशाह जी ने फिर आवाज लगाई, पुत्री, भाई वीर सिंह जी कहते हैं, लिखा है कि तीन आवाजा उस वक्त गुरु नानक पातशाह जी ने उस नूं लगाई। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। तीन आवाजा लगाइया, अखां खुलियां जदों, ते चरणां ते नमस्कार की। गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे, किवें आई है बई, किवें आई है? ते बीबी कहन लगी, मैं आप जी नूं तीन दिनां तो देख रही हाँ, मैं तुहानूं देखिया कि तुसीं कुछ भी नहीं खाया, ना कुछ खाया, ना ही तुहाडे सेवक ने जिहड़े सेवक नाल ने, ना ही इन्हां ने कुछ खाया। मन विच आया कि इह गर्म दुध आप जी छको, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु, आप जी इह गर्म गर्म दुध इह आप जी पियो। जदों कहा कि आप जी पियो दुध तुहाडे वास्ते लैके आई हां, ते साहिब जी ने फिर कहा, बेटा तू पी तू पी। ते कहन लगी, नहीं इह तुसीं पियो, मैनू ते उस रस जिहड़ा ओह वाला रस बख्श दिओ जिस रस नूं तीन दिनां तों मैं लगातार लै रही हां। ओह तार माण ओह राही तुसीं मैनू ओह रस दिओ। सतगुरु जी बड़े खुश हो गए कि गुरु नानक दे घर दे विचों इह तार मंग रही है ओह रस मंग रही है, ओहदी भुख है साचे नाम की लागे। पातशाह जी ने आप ही कहते ने आप ही पीता, ते फिर नाल ओ दुध मर्दाने नूं भी छकाया। हुण ओ स्त्री हर रोज आंदी है, हर रोज घरों वेली होके घर वाले नूं कम तो टोर के दुध दा गड़वा लै के आंदी है, ते सारा दिन सत्संग करना, ते शाम नूं वापस जाना सत्संग। इसदे पति दा भी इतिहास दे विच नाम आया, सासु जी दोता तोता नाम है इसका। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇ ਆਂਟੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਧਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੋਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੋਦਾ ਖੜਾ ਹੈ।
लुक के सुन रहा है ते ए ते तसली हो गई कि ए गुरु पीरां दे कोल जांदी है सतनाम ए ऐसे स्थान ते जांदी है जिथे गुरु पीर हन अख सतनाम श्री वाहिगुरु ए सत्संग विच आंदी है जो दोनों के कन्ना के पई गुरु नानक पातशाह जी की मिठी आवाज पानी सुनी ते मस्त हो गए। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि तीन दिन दरखत पिछे लुक के मस्त कीर्तन का रस माणिया। दो दिन तीसरे दिन महाराज जी ने जो देखा तो फिर कीर्तन ही रोक दिता, कीर्तन रोक दिता तो बीबी ने आख्या और पेड़ के पिछे कोई लुक के खड़ा है जा जाके उसको बुला के लिया। तीन दिन तो लुक के कीर्तन सुनता पिया है भाई, उसको कह के संगत विच आ जावे, संगत विच आ जावे। जब तो बीबी गई ते जाके देखा कि ये तो मेरा ही पति मस्त बैठा है। हिलाया ते कहा तुसी इत्थे की कर रहे हो, तुसी इत्थे की कर रहे हो। दोदा कहता है जिस कीर्तन का तू रस लै रही है ना वो रस मैं भी लै रहा हाँ, ओ मैं भी रस लै रहा हाँ। क्या फिर लुक लुक के क्यों बैठे हो, फिर लुक लुक के क्यों सुन रहे हो। दोदा कहता तैनू की दसा कि मैं तेरा पिछा करता पिया। बीबी कहती चलो थानू गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी ने बुलाया है, कहे उन्होंने किवें पता कि मैं इत्थे छुप के बैठा हाँ। बीबी कह लगी कहती कमाल करते हो, दिलों दियां जानन वाले हैं ओते कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचान। कहती जो तो सामने आया ते सोनी मूरत सोनी सूरत से दीदारे कीते ते बस फिर चरना ते मत्था रख दिता, चरना ते मत्था रख दिता। गुरु नानक पातशाह जी कह लगे तेरी कारवाली बड़ी श्रद्धालू है, बड़ी श्रद्धा के नाल कीर्तन सुनती है ते तू सानू नाले सानू दुध भी छकाती है, सानू दुध भी पियाती है, बड़ी सेवा करती है, असी बड़े प्रसन्न हाँ तेरे कोलो ते तेरे रस जेड़ा तू अनंत मानता पिया असी उसको सदके जाने हाँ, असी उसको बार 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 जाने हाँ। कह लगी कह लगे दस गुरु नानक पातशाह जी कहते दस तेनू की दईए, तेनू की दईए। मन विच एक बारी आया कह एक बारी ते मन विच आ गया कि पूर्ण पूर्ण गुरु है मंग लवा इन्हां दे कोलों दुध ते पुत मंग लवा। पर फिर झिझक आ गई कह लगे नहीं महाराज जी आप जिया मेरा बहुत हन। गुरु फिर पूछया गुरु नानक पातशाह जी ने दस असी तैनू की दईए, क्या नहीं बड़ी मेहरबानी तुहाडी बड़ी मेरा हन साढ़े साढ़े कोल बड़िया मेरा हन। अगले दिन तो दोनों बीबी भी ते नाल दोता भी सत्संग विच आंदे हन। हुण दोनों जने सत्संग विच आ रहे हन ते महाराज जी कहन लगे दस तैनू की दई असी वचन कीता है तेरे नाल दस की दई। कहन लगे दोता ने कहा महाराज जे मेरा दी नजर विच आए हो ता घर विच ना दुध है ते ना पुत है, पाप कहता ना माया है ते ना ही बच्चा है। गुरु नानक पातशाह जी ने कहा निरंकार भली करनगे, दोनों चीजा मिलनगियां होर मांग की मंगता है मेरा दी नजर च आ गए। दोदा कहता बस कहते बस ये दो ही चीजा गुरु नानक पातशाह जी मिल कहते मिलनगियां मिलनगियां होर मांग जदों कुछ ना बोले बस कहे एयो ही बस होर कुछ नहीं। तां पातशाह जी कहन लगे ये दोधी राणी दी दोती राणी दी बड़ा वड्डा रस कहते अदे सदके कहते उहदा नाम ही रख दिता दोती राणी क्योंकि उन्होंने हसबैंड का नाम से दोधा तो उन्होंने गुरु नानक पातशाह जी ने उहदा नाम रखता दोती राणी। दोती राणी संगत के सदके तैनू संगत का रस दिता, बीबी का नाम दोती राणी रख दिता, बड़ा वड्डा रस दे दिता, बड़ा वड्डा रस देता। कई बार कहते सा संगत जी असी संगत विच बैठते हाँ ऐसे स्थान पर बैठने पर मन कितने होर लगे होता है, होर उडारियां मारता है साडा मन संगत तो खाली चले जाते हैं, चोली पार के नहीं लैके जाते। पर कोई ऐसे भी हैं
जो सत्संग विच आंदे हन ऐसे ऐसे थाना ते आंदे हन ते फिर सत्संग जोगी हो जाते हन। फिर सत्संग जोगी हो जाते हैं, भागा बने हन भई उन्होंने कड़िया भागा वाली हन, उन्होंने कड़िया कहते हैं फिर कड़िया खोली जाते फिर टाइम कितना होया समा कितना होया पता ही नहीं चलता। तो संगत का रस दिता ते दोती नूं पुछा दस तैनूं की दईए ते दोती कहंदी है पाशाह मैनूं तां कोई रस चाहीदा है जिसने मैनूं इत्थे आके बिठाया है, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु। गुरु नानक पाशाह जी ने सिर ते हाथ रखिया क्या बोल बोल बच्ची रे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तुसीं भी बोलो ना वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। बस रोम रोम वाहेगुरु 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 जपन लग गया। शुरू हो गई वाहेगुरु वाहेगुरु महिमा कहीं ना जाए गुरु समर्थ देव गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेद। दोती राणी हुण हुण कहते ने हुण सुरत करके राणी बन जाती ते बन गई। दोधे ने दुध पुत दे दिता ते दोधा राणी नूं संगत दा रस दे दिता। भाई वीर सिंह जी कहते हैं खाली चार पांच दिन लगे होंगे कि अचानक ही दोधे का जिहड़ा चाचा है उहदे मन विच ऐसा वैराग आया कि सब कुछ छड़ छड़ा के संन्यास लैण दा सोच लिया ते जदों जाण लगा ते दोधे नूं बुला के कहा हुण मैं चलिया हाँ ये जितने मेरे खेत खलिहान हन मेरे पशु हन सब मैं तैनूं दित्ते, जिन्नियां गईयां ने सब गईयां मच्छा सब दे दियां, हुण माया भी मिल गई माया की भी कमी नहीं रही ते इतना दुध इतना कम मिल गया कि दोधा सतगुरु की शरण आके कह लग्या महाराज इतना सुख मिल गए उसमें इतने सुख मिल गए कि हुण आप गुरु नानक पातशाह जी कोल आया आके कहता है असी इत्थे छपड़ी पानी है। तो सतनाम असी इत्थे छपड़ी पानी है। गुरु नानक पातशाह जी कहते ने कहते कहते ने क्यों बई तोता कहता तुसी खुले विच बैठ बैठे हो तुसी खुले विच बैठ के नाम जपते हो धुप मी पानी सब कुछ है पर असी मकाना दे विच बैठे असी ते मकाना दे विच बैठे हैं पर तुसी ते खुले दे विच बैठे हो ए रब दी छपड़ी है। कह सके गुरु नानक पातशाह जी कहते ए ते रब दी छपड़ी है ऊपर आसमान नीचे जमीन ए ते रब दी छपड़ी है। तोता कहता तुहानू ते लोड़ नहीं है तुहानू लोड़ नहीं है पर सानू ते लोड़ है तुसी तां बस तो जांदे हो जिहड़ी संगत शरीर जिहड़े इत्थे आंदे हन ओह धुप हनेरी सब कुछ झेलदे हन। महाराज जी ने गुरु नानक पातशाह जी ने मंजूरी दे दित्ती रावी दा कंडा सी सा संगत किनारे छत पा दित्ती फिर कहा तुसी छत पाणी है क्या भई हुण क्यों पाणी है क्या महाराज जी जिथे इत्थे लंगर भी तैयार करना इत्थे मैं लंगर तैयार करांगा जब कोई आवे ना तो उसनूं लंगर भी असीं छका देंगे। आपको सतना असीं उसनूं लंगर भी छकाईए लंगर भी छका के भेजिए सानूं हुक्म दिओ। महाराज ने फिर मंजूरी दे दी कहा हुण तुसीं तीजी छत पाणी है। कहते ने हुण क्यों पाणी है भाई कहन लगे ये हुण क्यों पाणी है। तो दोधा कहिंदा जो इत्थे आए हन ना रात कटनी है रहन वास्ते इस तरह सब कुछ बनाई गया सरां भी बन गई। हुण गुरु समझ के सब रहे सन सब कुछ समझते पए सन सब कुछ जानते सन पर फिर मौज विच सी कहन लगे कर लै जो तेरे मन की रीझ है कर लै। दोते नूं पता सी कि जो कुछ भी मैं लगा रहा है ये सारा कुछ तो गुरु नानक पातशाह जी का तो दिता होया है उन्हों का दिता होया उन्हों के उत्ते तो लगा रहा हाँ गुरु नानक पातशाह जी के दिते दे विच्चों ही तो दे रहा केड़ी वड्डी गल है बई। गुरु जिन्ना दियो कहिंदे ने जितना दियो उस तो चार गुणा वध करके मिलता है। गुरु दे दर ते जिन्ना दियोगे वो गुरु चार गुना वापस करके लुटांदा है।
ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਦੋਦਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੋਦਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਏ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲੀਏ ਉਦੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਉਸਦਾ ਬੇੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਛੁੱਟ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਤਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣ ਜੋਗੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋੜੀ ਚੰਦ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਰੋੜੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੋੜੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੰਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਕੁਰਲਾਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਦੋਦਾ ਅਤੇ ਦੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਦੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਕਾਫਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਹੈ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਨਾ ਕੱਢੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀ ਦੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
इतनिया नियामता इतनिया बख्शिया इतने कोतम जो सारे उसनू दसे जो सारे कोतक दसे बख्शिशा दसिया वह सुन सुन के हैरान हो जाए है इंज अच्छा नहीं इंज हाँ नहीं इंज कह लगे नहीं उन्होंने तो कहा वो तो रब स्वरूप हैं मैनू तो किसी ने गलत ही दसिया सी दोदा कहन लगा हुण रब स्वरूप नहीं वो तो खुद आप रब हैं आप नारायण कला तार जग में परवरियो निरंकार अकाल अकार ज्योत जग मंडल करियो ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो हाकम नु विश्वास होण लग पिया कहा हुण मैं की करा मैनू दसो हुण मैं की करा कहा उत्तर कहंदे उत्तर थल्ले तो कोड़े उत्तर उतर उतर के शीश झुका चुका के माफी मंग उतर के हाथ जोड़ के माफी मंगी सच्चे मन दे नाल के पाशाह मैनू बख्श लो मैनू बख्श दो मैनू माफ कर दो जदो शीश चुकाया ना साध संगत जी ता नजर आन लग गया पूरा नजर आन लग गया श्रद्धा होर पक्की हो गई करोड़ी चंद कहंदा कि हाँ मैनू लै चलो मैनू गुरु नानक पातशाह जी दे कोल लै चलो अगे पहुंचया तो सतसंगत चल रहा सी सत्संग चल रहा सत्संग चल रहा दोदा हुण कह रहा ओ बैठे ने गुरु नानक पातशाह जी ओ बैठे ने गुरु नानक पातशाह जी दर्शन कर लो पजदा पजदा गया चरना ते डिगा ते चरण चुम ले चरणा विच डिग पिया ते चरण चुम ले कहा मैं पापी हाँ मैनू बख्श दियो सतगुरु पातशाह जी ने सिर ते हाथ रखिया प्यार कीता ते कहा करोड़ी चंद अपना नाम जो सुनिया गुरु दे मुखो दी ते सिर निवा दिता कहा एथे हुण छत्तां नहीं रहणगियां इस स्थान ते हुण छत्तां नहीं रहणगियां ए जगह ते हुण पक्कियां छत्तां बन जाणगियां टैंपरेरी वालियां नहीं रहणगियां पक्कियां छत्तां बन जाणगियां अपने खर्चे दे उत्ते सतसंग घर बनाया साध संगत जी ए जितनी जमीन सी ना सारी दे उपर पट्टा लिख दिता गुरु नानक पातशाह जी दे नाम दा पट्टा लिख दिता हुण हौली 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 शहर वस रहा है हुण ये शहर का नाम साध संगत जी संगत ने कहा कि तुहाडे नाम ते रखना है तो गुरु नानक पातशाह जी ने पता की कहा कि हाँ कल गुरु नानक पातशाह जी ने कहा तुसी की सोचा तो संगत ने कहा असी तो सोचा कि तुहाडे नाम तो रखना है तो गुरु नानक पातशाह जी ने कहा नहीं बई ये शहर का नाम करतारपुर रखिया जाए आखो सतनाम इस शहर का नाम करतारपुर रखिया जाए साध संगत जी साध संगत स्थान जगमग नूर है ऐसे स्थान ऐसे संतां दे स्थान जड़े ने जगमग नूर रहिंदे हन बड़े भागां वाले हाँ कि ऐसे स्थान सानू मिले हन बड़े भागां वाले हाँ इत्थे आ के अरदास करया करो अखा बंद करके अरदास करया करिए कि इस स्थान ते आंदे रहिए असी ते गुरु दे नाम दे गुण गांदे रहिए साध संगत अस्थान जगमग नूर है साध संगत अस्थान जगमग नूर है जगमग नूर है जगमग नूर है जगमग नूर नूर है जगमग 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 नूर है Yeah.
मगनोर है साध संगत स्नान जग मगनोर है 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 साध संगत स्नान जग मगनोर है साध संगत स्नान ऐसे स्थाना ते आके असी गुरु को लाई मंगना है कि साडा भी बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक साडा भी बन जाए कि असी भी गुरु नानक पातशाह जी दे कोल इन्हां स्थाना ते आईए ते आके असी गुरु दे नाम दे गुण गाइए वड्डे भागां वाले हाँ जिहड़े ऐसे स्थाना ते आके गुरु दे नाम दे गुण गांदे ते सुन बन जाए जिंदगी दा ऐसा दस्तूर नानक बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक उठ अमृत वेले विच तेरा नाम उचारा मैं तेरे नाम दी मस्ती विच ए जीवन गुजारा मैं उठ अमृत वेले विच तेरा नाम उचारा मैं तेरे नाम दी मस्ती विच ए जीवन गुजारा मैं के बन जाए जिंदगी दा ए दस्तूर नानक के बन जाए जिंदगी दा आप जी नी सदा ही जै आप जी नू कोट कोट नमस्कार बड़े वड्डे भाग ने जड़ा ऐसा स्थान ते सेवा दा मौका मिलता है तन भाग हन पिछले महीने आए नहीं ते इतनी वड्डी कमी लग रही सी साणू कि जिवें पता नहीं साडे कोल की खुंज गया है माता जी दे नाल इतना प्यार कैसी हुण बहुत मिस करने आ एक महीने विच हाजरी जदों भरने इत्थे आ के ते साडी बैटरी चार्ज हो जाती है पूरे महीने वास्ते साडी बैटरी चार्ज हो जाती है ऐसे स्थाना ते तन पाग हन साडे वड्डे पाग हन ऐसे गुरु को बल 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 जाइए बोले